आज राष्ट्रीय जनाउ उद्योग व्यापार संगठन मथुरा के प्रदेश वरिष्ठ महामंत्री जगत नारायण अग्रवाल एवं जिलाध्यक्ष गजेंद्र कुमार शर्मा के नेतृत्व में संगठन के पदाधिकारियों ने अनाज मंडी में हुए अग्निकांड में पीड़ित व्यापारी बंधुओं के साथ मुलाकात की एवं मुआवजे को लेकर प्रशासन के साथ बातचीत के बारे में जानकारी ली और साथ ही व्यापारियों को भरोसा दिलाया। दुख की इस घड़ी में राष्ट्रीय जनाउ उद्योग व्यापार संगठन हर प्रकार से उनके साथ खड़ा है और उनकी हर लड़ाई में उनका साथ देगा। सभी पदाधिकारी अग्निकांड में मृतक व्यापारी के पिता चंद्रपाल जी से भी मिले और दुख की घड़ी में परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन की ओर से प्रदेश वरिष्ठ महामंत्री जगत नारायण अग्रवाल, जिलाध्यक्ष गजेंद्र कुमार शर्मा, श्याम सुंदर पालीवाल, अनिल अग्रवाल, महेश कुमार वार्ष्णेय, विजयपाल सिंह चौधरी, कपिल गोयल, विष्णुदत्त अग्रवाल, मानवेंद्र सिंह पांडव, रूप सिंह चौधरी, झमन वार्ष्णेय, विष्णु वार्ष्णेय, पप्पू पहलवान, हरेंद्र चौधरी, बंटू पटवारी, विष्णु शर्मा, अनिल शर्मा, दीपक शर्मा, विषय चौबे आदि उपस्थित रहे। क्या उद्देश्य है? देखिए, जिस तरह से मंडी परिसर में जो हर साल जो आग लगती है, तो जब राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन यहाँ पर आया और अलग अलग व्यक्तियों से जब इस बात की जानकारी की गई, तो ये बात निकल के आई कि ये प्रश्न खड़ा होता है कि हर दीपावली पर और होली के त्यौहार पर ही क्यों आग लगती है। तो ये जांच का विषय है। प्रशासन से हम मांग करें कि क्योंकि जो इसकी उससे स्तरीय जांच कराई जाए। दूसरी बात, जो जिन लोगों को, जिन व्यापारियों का जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई के लिए हमारा जिला उद्योग जन उद्योग व्यापार संगठन ये मांग करता है प्रशासन से कि उनकी जो भरपाई है वो भरपाई की जाए। और जो लड़का जो 24 साल की उम्र है और वो बच्चा जो इस दुर्घटना में उसकी जान गई है, तो उसकी भरपाई तो कोई भी नहीं की जा सकती किसी भी कोर्ट पर, लेकिन उसको परिवार को कम से कम हम मांग करते हैं राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन से और हमारे सभी व्यापारी की तरफ से उनको कम से कम 25 लाख रुपये ये व्यक्तिगत तौर पर उस परिवार को दिया जाए। दूसरी बात ये भी निकल के आई है कि जिस तरह से यहाँ पे जब हमने बात की फायर ब्रिगेड से, तो उन्होंने कहा कि सब यहाँ पे पानी का इंतजाम था ही नहीं और गाड़ी फायर की पानी के लिए इधर से उधर घूमती रही और पूरी आग लग गई। तो ये भी प्रशासन से हम मांग करते हैं कि यहाँ पे पानी की व्यवस्था की जाए, क्योंकि मंडी समिति में पानी की व्यवस्था नहीं है। दूसरी, अन्य राज्यों में ये फ्री होल्ड है कि कोई भी दुकान बना सकता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं है, क्योंकि ये जाली लगा के लिए अपने ये व्यापार करते हैं, तो इनको ऐसा क्यों नहीं जैसे अन्य राज्यों में होता है कि अपनी दुकान बना लें। इस तरह से कई ऐसी मांगे हैं जो हमारा राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन मांग करता है, और निश्चित तौर पर हमें उम्मीद है कि हमारी प्रशासन सुनेगा और इसी के आशा के साथ। जगत नारायण अग्रवाल सर, यह बताएं जो मंडी में व्यापारियों की आड़तों में आगजनी हुई है, इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? हमारा कहना यही है शासन से, प्रशासन से, सरकार से, कि जिन भी व्यवसायियों की जो भी यहाँ नुकसान हुआ है, उसकी तत्काल प्रभाव से उनकी हर संभव मदद की जाए। उसके अलावा यहाँ सबसे बड़ा जो जाँच का एक केंद्र बिंदु है कि हर वर्ष त्योहारों के बाद यहाँ आग क्यों लगती है, उसका क्या कारण है, उसकी भी पूरी जाँच यहाँ कराई जाए, जिससे कि आगे यह घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और व्यवसायियों को तत्काल प्रभाव से मदद कराई जाए, जिससे कि वो अपनी रोजी रोटी का प्रबंध आगे कर सके। और सर, जिस व्यक्ति की आगजनी से मौत हुई है, उसका क्या करोगे आप? वह व्यक्ति अपने पिता का सबसे बड़ी ऋण थी, जो आज हमारे मध्य नहीं है। सर्वप्रथम तो हम उसकी आत्मा को शांति हो, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। सरकार से भी ये कहते हैं कि उसकी भरपाई व्यक्ति के रूप में तो नहीं हो सकती, लेकिन आर्थिक रूप से जो भी हम उसके पिता की मदद कर सकें, सरकार जो भी हर संभव मदद उसकी कर सके, उसे करनी चाहिए। हम ऐसी मांग शासन से और प्रशासन से दोनों से करें। चंद्रपाल जी, आप बताएं क्या कहना चाहते हैं? जो सुरक्षा होनी चाहिए सारी, और मेरे लड़के में आग लगी जाते दर्जा सारी जली, उसका कोई संघर्ष हो गया, उसकी कोई जाँच नहीं हो रही है, और मेरा बेटा खत्म हो गया, और मेरे भाई बहन भी उनकी दुकान भी जल गई है, कोई देखने वाला भी नहीं आया। जब जब आग लग गई सारी दुकान जल चुकी, इसके बाद में देखभाल हुई है, उन्हें जब आदमी यहाँ चौकीदार होता तो ये कोई दुकान भी नहीं चलती और एक आध दुकान पर मामला खत्म हो जाता, सारी मंडी पर चले जाती।